हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम डेली इस पे 10 वर्ड्स की सेशन कर रहे हैं। बेसिकली इन जो ये जो 10 वर्ड्स हम लिख रहे हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे वर्ड्स एससी हार्डविक बुक के हैं। सो वन बाई वन इन सभी वर्ड्स को हम प्रोनंसिएट कर रहे हैं और उनके प्रोनंसिएशन से ही हम एक ट्रिक निकाल ले रहे हैं जिसकी मदद से हम इनको याद कर पाए। सो बेसिकली आज भी हम वैसे ही करेंगे, जिनमें कि सबसे पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है एनोमैली। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एनोमैली का मतलब क्या होता है। देखो एनो एंड मैली, अब मैली से वर्ड आपको पता होगा मैली होना यानी गंदा होना, और एनो से याद रहता होगा आपको अनु टाइप साउंड कर रहा हो कि अनु नाम की कोई लड़की है और वो क्या है मैली कपड़े रखी हुई है, क्योंकि वो कपड़ों को क्या करती होगी इरेगुलर तरीके से वॉश करती होगी। ठीक है, तो अनु मैली कपड़े पहनती है क्योंकि वो कपड़ों को कैसे वॉश करती होगी इरेगुलर तरीके से वॉश करती होगी, तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। सेकंड वर्ड की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बेनेफिशेंस। अब बेनेफिशेंस का मतलब होता है काइंडनेस यानी कि दयालुता। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ड की प्रोनंसिएशन को केवल सुनिएगा, आपको ये वर्ड याद हो जाएगा बेनेफिशेंस। अब बेने से याद ना आपको सुनाई देगा बनिया, बनिया से आपको सुनाई देगा बढ़िया, जिसको बोलते हो बहुत ही अच्छा। ये बनिया नहीं, मैं बढ़िया बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा वर्ड आपको सुनाई दे रहा होगा फीस। ठीक है जी, फीस की बढ़िया जो फीस होती है ना, तो वो ज़्यादा फीस रहा करती है, तो उनमें ना हम लोग क्या करते हैं अपनी सेंस का इस्तेमाल करते हैं और उस फीस को कम करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सामने वाले ने बढ़िया फीस जो था उस पर सेंस लगा के हमें अपनी काइंडनेस दिखाई, मतलब उस फीस को कम कर दिया, अपनी दयालुता दिखाई। तो बेनिफिशेंस बढ़िया फीस में अपनी सेंस लगा के हमें क्या दिखाई काइंडनेस दिखाई बेनिफिशेंस दिखाई। थर्ड वर्ड की बात कर लो जरा, देखो थर्ड वर्ड जो लिखा हुआ है डिमैगोग्यू। अब डिमैगोग्यू का मतलब होता है ना पॉलिटिकल लीडर, राजनेता जिसे आप कहते हो। अच्छा ये जो वर्ड हमें याद करना है ना, बेसिकली ये वर्ड आप ऐसे याद करना, डिमैग से आपको सुनाई देगा दिमाग और दूसरा जो वर्ड है ना बस इसकी इंट लेना गो की, गो का मतलब होता है जाना। ठीक है जी, अब दिमाग गो, दिमाग चला गया। अब नॉर्मली यही तो कहते हैं कि ज़्यादा पढ़िएगा लिखिएगा तो आईएएस वाईएएस बनिएगा, कम पढ़िएगा तो मजाक में बोलते हैं कि पॉलिटिकल लीडर नेता वगैरह बनिएगा, तो दिमाग गो दिमाग चली गई तो वो बंदा क्या बन गया पॉलिटिकल लीडर बन गया, तो डिमैगोग्यू आपको वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, अपना अगला वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेडाइट। अब एक्सपेडाइट का मतलब होता है एक्सेलरेट करना, उस चीज को बढ़ा देना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, एक्सपे से आपको सुनाई देगा एक्सपर्ट, ठीक है, और डाइट से आपको सुनाई देगा डाइटिंग वाला वर्ड होता है ना डाइट, आपको बोला जाता होगा आप डाइटिंग वगैरह किया करो, खाना वगैरह कम खाओ ताकि स्लिम वगैरह लगो। ठीक है, तो एक्सपर्ट जो होते हैं हमें डाइट करने की सलाह देते हैं और उस चीज़ को हमें एक्सेलरेट करने को कहते हैं कि आप इस डाइट को क्या करो तेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो डाइटिंग किया करो ताकि आप परफेक्टली फिट रहा करो। तो एक्सपेडाइट एक्सपर्ट हमें डाइट करने को कहते हैं और कहते हैं कि डाइट को क्या करो बढ़ा लो एक्सेलरेट कर दो। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है इम्पॉर्चुनेट। अब इम्पॉर्चुनेट का मतलब होता है एनोइंग, जिसे आप जिद्दी भी कहते हो। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से यहाँ पे देख लो इम्पॉर्चुनेट को याद कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है आयात करना, मतलब किसी अन्य देश से अपने देश में कोई सामग्री मंगवाना। और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नेट, तो जरा ध्यान से देखो नेट यानी कि जाली। अब देखिए कभी कभी क्या होता होगा हम लोग ना सस्ते के चक्कर में पड़ के किसी और देश से मोबाइल वगैरह खरीद लेते हैं और उस पर जो ओरिजिनल टैक्स होती है वो नहीं देते हैं, तो इम्पोर्ट की हुई वस्तु को नेट यानी कि जाली में रख दी जाती है और जो लोग उसको जाली में रखते हैं हम उनसे कितना भी आग्रह करते हैं वो हमें वो सामान नहीं देते, तो वो कैसे लोग होते हैं जिद्दी लोग होते हैं। ठीक है जी, तो इम्पॉर्चुनेट इम्पोर्ट जो सामान हम करते हैं उसको किस में रख दिया जाता है नेट यानी कि जाली में रख दिया जाता है, कितना भी हम मांगते हैं वो नहीं देते हैं क्योंकि वो कैसे लोग होते हैं जिद्दी लोग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड की हम लोग बात करते हैं, अपना अगला वर्ड लिखा हुआ है रेक्रिमिनेशन। अब रेक्रिमिनेशन का मतलब होता है ब्लेम करना। ठीक है, ब्लेम करना यानी किसी पे आरोप लगाना। अच्छा कभी कभी देखते होगे ना आप ऐसे करके बोल देते होगे बड़ा ये इंसान हमें मक्खन लगा रहा है। अब मक्खन लगाने का आप ये मतलब समझते होंगे कि झूठी झूठी तारीफें कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो रे किसी को पुकारने का साउंड है और क्रीमी से आपको वर्ड याद रखना है क्रीम। ठीक है, और नेशन आपको पता होगा कि ये बंदा जो है ना रे क्या कर रहा है, ये क्रीम लगा लगा के नेशन को ब्लेम कर रहा है,
कि मतलब अच्छी अच्छी बातें तो बोल रहा है, लेकिन ऐसा पता हमें चल रहा है कि ये हमारे देश को क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। अरे क्रीम लगा लगा के हमारे नेशन को ये ब्लेम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड की हम लोग बात करते हैं जी। अपना अगला वर्ड लिखा हुआ विकैरियस। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे विकैरियस का मतलब होता है ऑल्ट्रुइस्टिक यानी परोपकारी। आपको मैंने ऑल्ट्रुइस्टिक वर्ड की ट्रिक बता दी थी कि ऑल ट्रू लोग जिस पे टिक लगाते हैं यानी वो कैसे होते हैं, परोपकारी टाइप लोग होते हैं, स्वार्थहीन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे विकैरियस में जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा भिखारी, ठीक है, और दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, अस। अस से आपको सुनाई देगा हंस, कि भिखारी जो है वो हंस रहा है। क्यों हंस रहा भाई, क्योंकि उस पे किसी ने ना परोपकार किया होगा। बेसिकली देखते होंगे ना, जब कभी भिखारी को आप क्या करते हो, कपड़े वगैरह दे देते होंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो भिखारी हंस रहा है क्योंकि उस पे परोपकार किया गया है। तो ऐसे आपको ये विकैरियस वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की हम लोग बात करते हैं जी। ये वर्ड अपना लिखा हुआ है डेस्टैडली। अब डेस्टैडली का मतलब होता है शेमफुल यानी कि शर्मनाक। अब देखो डेस्टैडली जो वर्ड है ना, इसमें आपको केवल पहले वर्ड की साउंड ही सुन के वर्ड याद कर लेनी है। डेस्ट से आपको लगेगा दस्त। अब छोटे बच्चे वगैरह को दस्त हो जाती है ना, तो उसके माता पिता के लिए क्या हो जाता है, ये काम शेमफुल हो जाता है। शेमफुल हो जाता है मतलब शर्मनाक ये चीज़ हो जाती है। तो आपको डेस्टैडली से याद रखना है, दस्त हो गया बच्चे को तो उसके माता पिता के लिए वो चीज़ क्या हो गई, डेस्टैडली हो गई यानी कि शर्मनाक हो गई। नेक्स्ट वर्ड की हम लोग बात करते हैं जी। अपना अगला वर्ड लिखा हुआ है डिफंक्ट। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, फंक्ट का मतलब क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन मतलब कोई चीज जो संचालन में हो। अब संचालन में कोई अगर चीज होगी, इसका मतलब वो चीज चल रही होगी, वैलिड होगी। लेकिन इसके पहले आपने क्या लगा दिया, डी, एक प्रीफिक्स जोड़ दिया। डी लगाया मतलब वो चीज क्या हो गई, निगेटिव हो गई। भाई अब फंक्शन में थी, सॉरी पहले फंक्शन में थी अब नहीं रही, तो इसका मतलब वो चीज कैसी हो गई, इनवैलिड हो गई, यानी कि वो चीज क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये वर्ड याद रहेगा। चलिए हम अपने आज के लास्ट वर्ड की बात करते हैं। अपना लास्ट वर्ड लिखा हुआ है सैगेसियस। अब देखिए सैगेसियस वर्ड में ना आपको याद रखना है केवल पहला वर्ड साग। साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं जी, सैगेसियस होते हैं। साग खाने वाले लोग सैगेसियस होते हैं यानी कि ब्रिलियंट। तो सैगेसियस, साग खाइए और क्या बन जाइए, ब्रिलियंट बन जाइए। तो ये बेसिकली हमारे आज के 10 वर्ड थे जिनको हमने ट्रिक की मदद से सीख लिया है। तो आज के लिए थैंक यू। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।